केंद्र की मोदी सरकार ने आज अपने कार्यकाल का अंतिम अंतरिम बजट पेश किया। चुनावी वर्ष में इस बजट से देश के लोगों को काफी अपेक्षाएं थी। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने केंद्रीय अंतरिम बजट को विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की नींव बताते हुए कहा कि अंतरिम बजट काफी संतुलित है, हर वर्ग का ध्यान रखा गया है और युवा, गरीब, महिला और किसान को मजबूती प्रदान करने वाला बजट पेश किया गया है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार का एक साल से ज्यादा का कार्यकाल बीत गया है। 13 महीने बीत गए, 14 महीने पूरा होने वाले हैं और प्रदेश की परिस्थिति किस प्रकार की बन गई है। कांग्रेस पार्टी की प्रदेश की अध्यक्षा मुख्यमंत्री से मिलती हैं, कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं हो पा रहा है, कार्यकर्ता हताश हैं, निराश हैं। सरकार कांग्रेस पार्टी की, लेकिन उसके बावजूद कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं, उनको स्थान नहीं। खुलेआम इस बात का जिक्र उन्होंने किया है। और कांग्रेस पार्टी के ही कार्यकारी अध्यक्ष जो सुजानपुर से विधायक है, आज उनका भी एक पत्र सोशल मीडिया में देखने को आया है जिसमें उन्होंने जिक्र किया है कि हम एक साल के कार्यकाल में बहुत बेहतर नहीं कर पाए। उनकी भावना इस प्रकार से उसमें व्यक्त हुई है। हमने हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारों के लिए नौकरी देने का वादा किया था, बेरोजगारी को कम करने का वादा किया था। 5 लाख नौकरियां 5 साल में 1 लाख नौकरी 1 साल में, लेकिन ये 1 लाख नौकरियों की बात तो दूर की रही। जो इंटरव्यू हुए पड़े हैं, बच्चे पिछले 1 साल से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, कोर्ट में, कचहरी में धक्के खा रहे हैं। उनके हम निर्णय, उनका हम अभी तक रिजल्ट निकालने में सफल नहीं हो पाए। और उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि नौजवानों में नाराजगी है, निराशा है, और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजों का जिक्र किया है उन्होंने। अपने विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री का प्रवास हुआ, प्रवास होने के दौरान उन्होंने बहुत सारी घोषणा की, लेकिन उनमें से एक भी घोषणा अभी तक पूरी नहीं हुई, वो भी जिक्र किया। मित्रों, जब ये परिस्थिति हो जाए कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा और सांसद और कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष ही जब संतुष्ट नहीं है कांग्रेस पार्टी की वर्किंग से, कांग्रेस पार्टी की सरकार से, कांग्रेस पार्टी के सत्ता में सत्तारूढ़ नेताओं से, तो बाकी प्रदेश के लोगों की परिस्थिति आप बहुत बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। कौन खुश हो सकता है? कहने को तो सुख की सरकार, लेकिन अपनी ही पार्टी के प्रमुख नेता ही सुख की अनुभूति से बाहर हैं, उनको सुख की अनुभूति नहीं है। तो इसलिए बहुत बड़ा प्रश्न होता है। आज कर्मचारियों के मुद्दे, कर्मचारी हड़ताल करने के बाद अपनी सैलरी लेने की परिस्थिति में हो पा रहे हैं। जब तक धरना नहीं होता, प्रदर्शन नहीं होता, तब तक सैलरी नहीं मिल पा रही है। और हाल ही में जहां सचिवालय के बाहर वहां पर जो बच्चे वहां पर धरना दे रहे थे, जो देख नहीं सकते दुनिया को ठीक प्रकार से, और उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार वहां पर हुआ, ये सचमुच में बहुत बड़ा चिंता का विषय है। एसएमसी वाले धरने पर बैठे हुए हैं, और इसके अलावा 1 नहीं 7 कैटेगरीज इस वक्त हैं, जो मैं उनका जिक्र किस बात के लिए करूं,
सात कैटेगरीज ऐसी हैं जो अभी धरने पर, ऐसे मौसम में धरने पर, प्रदर्शन में अलग अलग जगह बैठे हैं। चाहे वो JYT का मामला है, सुप्रीम कोर्ट से लड़कर के आए, लेकिन उसके बावजूद हाई कोर्ट ने कहा कि 3 महीने के अंदर इनके जो है इनकी नियुक्तियां की जाए, लेकिन अभी तक जिनके टेस्ट होने के बाद, टाइपिंग टेस्ट होने के बावजूद भी अभी तक उनका परिणाम नहीं निकाला जा रहा है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर बंद तो कर दिया, बंद करने का शौक बहुत है मुख्यमंत्री मोदी जी को, लेकिन बंद करने के बाद काम शुरू करना ये बस की बात रही नहीं उनकी। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर को बंद तो कर दिया जल्दबाजी में, लेकिन कहा कि 3 महीने के अंदर भर्तियों की प्रोसेस शुरू हो जाएगी, लेकिन यहां पर 14 महीने बीतने जा रहे हैं, उसके बावजूद भी भर्तियां अभी तक शुरू नहीं हो पाई। लोन लेने की बातें कहते थे हिमाचल प्रदेश में कि जयराम लोन लेता है, हम तो 4 महीने बाद लेते थे, 6 महीने बाद लेते थे, 5 महीने बाद लेते थे, जहां हर महीने में लोन लिया गया और 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का लोन 13 महीने में ले लिया, तमाम रिकॉर्ड टूट गए। लेकिन हमारे जमाने में यह होता था, जब लोन लेते थे उससे विकास के कार्य होते थे, सड़कें बनती थी, पुल बनते थे, हॉस्पिटल बनते थे, स्कूल के भवन बनते थे, कॉलेज बनते थे। लेकिन यहां 13 महीने से सारे के सारे विकास के कार्य रुके पड़े हैं, तो लोन लिया तो जा रहा है, कहां जा रहा है। शिमला से कैमरामैन युगमार्ग TV।